बताऊँ आप कहाँ थे? ये सारे मजदूर कल शाम के 7 बजे तक काम कर रहे थे, हमने उनकी मजदूरी नहीं चुकाई। ए, रोज रोज मजदूरी नहीं दे सकते, उनको बोलो कि हफ्ते के आखिर में ले जाया करें हमसे मजदूरी, समझे? ठीक है। ए भाऊ सुन, आज हफ्ते का आखिरी डे है, समझा क्या? आज शाम तक मजदूरी नहीं पहुंची ना तो सोमवार से काम बंद। ऑक्सीजन खल्लास, मरीज खल्लास, वैसे ही पगार बंद, काम बंद। नहीं नहीं, काम बंद नहीं होना चाहिए। आए काम करो, ये पकड़ो, ये बेच दो और सबकी तनख्वाह दे दो, समझे? एक हफ्ते तो काम में आएगा ये। हाँ, अगले क्वार्टर से काम चल जाएगा। ओए ओए, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे है? काम कर रहे। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना? अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़, अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के, बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ वो भोजनालय वाला गालियां देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? ए तू टारकोल डालने का? वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में। भाऊ अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यही पका के खा लेंगे, इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय। सुनो जी, मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है, अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होगा। और याद रखना, कम रोड़ी, कम बजरी, कम डांबर, और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी रंगीला, जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाऊ, मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाऊ, मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे भाऊ, वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे ब्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको, फटाफट पकड़ मारो, फटाफट। राज ये इल्जाम नहीं सच है, हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा पाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज, तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी।